जवाब दिया है ब्राह्मण देव, जब तक हम तुम्हारी कर्ज से ऋणी अदा नहीं हो जाएंगे तब तक पानी पीना तो बहुत दूर की बात है। ब्राह्मण देव, हम तुम्हारे पानी की तरफ देखेंगे भी नहीं। विश्वामित्र कहने लगे, फिर क्यों लेटा है, चल खड़ा हो जा, अगर तुम मर जाएगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा बिगड़ जाएगा, हम तुझे बेचते हैं, उसके बाद में मरना या जीना मुझे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए रोहिताश उठ गया है, उठकर चल देता है, मैया चलो। विश्वामित्र, हरिश्चंद, तारापुत्र, रोहिताश ये पहुंच गई कहां, काशी की बाजार में। विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, काशी के रहने वाले लोगों, जवाब दिया है काशी के रहने वाले लोगों, हम तीन प्राणी बेचने के लिए आए हैं, एक लेना चाहते हो 20 बार सोना, दो लेना चाहते हो 40 बार सोना। तो देखिए यहां तक हुआ है, विश्वामित्र ने काशी की बाजार में आवाज लगाई है और जवाब दिया है, तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहां, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं, जवाब दिया है, एक लेना चाहते हो 20 बार सोना, दो लेना चाहते हो 40 बार सोना। तो देखिए श्रोताओ, एक कालू मेहतर निकल के आ गया, जवाब दिया कौन बेच रहा है। विश्वामित्र कहने लगे, सुबह से शाम हो गई है, कौन बेच रहा है, कौन बेच रहा है, हम बेच रहे हैं, कहो किसे लेना है। श्रोताओ इधर कालू मेहतर कहने लगा है, इस पुरुष को हम खरीद लेंगे। तो देखिए विश्वामित्र कहने लगे, कोई बात नहीं है, 20 बार सोना मंगवाओ। तो तारा पहुंच गई है, जवाब दिया है, महाराज अभी नहीं, पहले आप मुझे बेच दो, उसके बाद आप बेचना, क्योंकि मुझ पर आपका अधिकार है, पहले आप हमें बेच दो, उसके बाद में आप खुद बेच जाना। जब पहले आप बेच जाओगे फिर हमें कौन बेचेगा, पहले आप हमें बेच दो। तो देखिए तब तक भीड़ को चीरता हुआ एक ब्राह्मण आया है, जवाब दिया कौन बेच रहा है। विश्वामित्र कहने लगे, कहो हम बेच रहे हैं, इस स्त्री और इस बच्चे को हम ले लेंगे, स्त्री ये घर पे भोजन बनाती रहेगी और ये बच्चा हमारी पूजा के लिए फूल लाया करेगा। तो देखिए मेहतर की तरफ से 20 बार सोना मंगवाया है और
ब्राह्मण की तरफ से 40 बार सोना मंगवाया है। तो देखिए हरिश्चंद कालू मेहतर के पास में खड़े हो गए हैं, रानी तारापुत्र रोहितास ब्राह्मण देव के पास में खड़े हो गए हैं। धीरे धीरे हरिश्चंद ने जवाब दिया, जाओ रानी, इंसान हर कदम उठा सकता है, मुसीबतों को झेल सकता है, लेकिन अपनी शरीर को नहीं बेच सकता है। जाओ, लेकिन अपने धर्म का पालन करना। तो देखिए यहां तक हुआ है, हरिश्चंद कालू मेहतर के पास में पहुंचे घर, और रानी तारापुत्र रोहितास ब्राह्मण देव के पास में पहुंचे हैं दोनों प्राणी। धीरे धीरे यहां तक हुआ है, हरिश्चंद को आदेश दिया है कालू मेहतर ने, जाओ काशी की गलियां साफ करके आओ, उसके बाद में तुम्हें भोजन मिलेगा। तो काशी की गलियां साफ कर रही है, धन्य है इस समय को। एक समय वो था इंसान हरिश्चंद की चेहरा की तरफ हजारों लोग देखा करते थे, लेकिन आज कौन सा समय है, काशी की गलियों में हरिश्चंद झाड़ू लगा रही है। धन्य है ऐसे समय को, इंसान पता नहीं कब कौन सा वक्त आ जाए, कौन सा समय आ जाए, ये किसी को पता नहीं होता है। श्रोताओं बताया है कि सदा दिन एक से किसी के नहीं गुजरते हैं। कैसे? सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे। धीरे धीरे जब समय बीता है, इधर जब जब हरिश्चंद भोजन करने बैठते हैं, तब तब विश्वामित्र किसी न किसी का रूप बना करके, कहीं कोड़ी का, कहीं महात्मा का, कहीं भिखारी का बना करके, यानी धीरे धीरे 26 दिन हो गए इन्हें भोजन नहीं करने दिया है। हरिश्चंद का शरीर सूख करके कांटा हो गया है। धन्य है ऐसे समय को। जवाब दिया है कालू मेहतर, कहने लगा, हे हरिश्चंद,
20 बार सोने में तुम्हें खरीदा है 20 बार में, लेकिन फिर भी तुम महंगी हो। जाओ, मेरा आदेश है अभी और इसी वक्त ये घड़ा भर के लाओ, उसके बाद में तुम्हें भोजन मिलेगा। जाओ। तो देखिए श्रोताओं, मेहतर की बात को मान करके हरिश्चंद्र हाथ गड़ा ले, हरिश्चंद्र बज के नदिया लो जइयो, करके तुनो काम बाद में फिर तुम पहुंच गई है, घड़ा भर लिया है लेकिन उठ नहीं रहा है। तब तक रानी तारा आ गई है। हरिश्चंद सोचने लगे हैं, परमात्मा की बड़ी अच्छी कृपा है हम पर, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा क्योंकि मेरी रानी आ गई है। जवाब दिया है, आ रानी मेरा घड़ा उठवा दो। जो तारा ने देखा, जवाब दिया, महाराज आपका शरीर कैसा हो गया, क्या हुआ? जवाब दिया है रानी, आज मुझे 26 दिन हो गए हैं, अन्न का दाना नहीं मिला है, क्या करें, मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहने लगी, महाराज नहीं। क्यों? क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? पत्नी है, लेकिन घड़ा उठाने की बहुत दूर की बात है, हम तुम्हारे घड़ा से हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम एक मैतर के घर रहते हो और मैं ब्राह्मण के घर में रहती हूं। श्रोताओं, धीरे धीरे यहां तक हुआ है, रानी तारा ने अपना घड़ा भरा और चली गई। हरिश्चंद्र को एक उपाय बता दिया था कि आप जल में घुस जाओ और तब थोड़ी ताकत कम लगेगी, और घड़ा भर लेना, चले जाना। तारा ने अपना घड़ा भरा, चली गई। हरिश्चंद ने ऐसा ही किया है, घड़ा भर लिया है, किसी भी प्रकार से जल में अंदर जाकर के घड़ा सर पे रख लिया है। सोचने लगे, मेरी स्त्री ने ये क्या कहा है, विचार करते हैं परमात्मा कौन सा ऐसा समय है, ये इतना बुरा समय आ गया है। हरिश्चंद विचार करते हुए जैसे ही उस नदी में से निकले हैं, क्षमा चाहेंगे, लोग कहते हैं हरिश्चंद ने गंगा जी से पानी भरा था, नहीं, हरिश्चंद ने एक बारोड़ी नाम की नदी थी उसमें से पानी भरा था। श्रोताओं, घड़ा भर के जैसे ही चले हैं लेकिन ठेव लगी है, तो वो घड़ा जो था ये टूट गया, और जैसे ही घड़ा टूटा है, हरिश्चंद दोनों हाथ खाली पहुंच गई है। मैत्र ने देखा, जवाब दिया, हरिश्चंद क्या हुआ, घड़ा भर लाए? दोनों हाथ जुड़े, महाराज घड़ा टूट गया। इसका मतलब है तुम किसी के काम के नहीं हो, जाओ ये लाठी उठाओ, शमशान में जाकर के पहरा लगाना। हरिश्चंद ने लाठी उठाई, शमशान में पहरा लगाने चले गई। अब आइए देखते हैं जहां तारा रहती है। श्रोताओं, धीरे धीरे ब्राह्मण देव ने जवाब दिया है, तारा ये तुम्हारा बच्चा खेलता ही रहता है, इससे ये तो कहो मेरे पूजा के लिए फूल लाया करे। तारा ने जवाब दिया, लाल जा, ब्राह्मण देव पूजा करेंगे, पूजा के लिए पुष्प ले आओ। विश्वामित्र उधर इंतजार कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैंने भी ये कसम खाई है, जब तक तुम लोगों को सत्य से नहीं टिका दूंगा तब तक मेरे दिल में चैन नहीं आएगा। विश्वामित्र कहने लगे, चलो रोहितास, तुम फूल लेने के लिए हम भी वहीं आ रहे हैं। श्रोताओं, मां की आज्ञा पाने के बाद रोहितास पुष्प लेने के लिए आगे बढ़ा है,
लेकिन विश्वामित्र जो थे ये एक नाग बन गई, सर्प सर्प बन करके और उस डाली में छुप गई। लेकिन रोहितास पहुंच गया है, रोहितास ने देखा है बड़ा सुंदर पुष्प खिला हुआ है। रोहितास ने जैसे ही उस पुष्प तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, विश्वामित्र ने सर्प बन करके उसकी उंगली में डस लिया। रोहितास हाय मां कह करके जमीन पर गिर गया। इक्कीस रुपये कीर्ति राजपूत जो इसी गांव की रहने वाली हैं, और कृष्णा राजपूत इनकी तरफ से 51 रुपये आए हुए हैं। इधर रोहितास जो था ये जमीन पे गिर गया है, हाय मां चिल्लाने लगा है। विश्वामित्र ने अपना रूप चेंज किया है, पहुंच गए, आवाज लगाने लगे हैं काशी में जाकर के, पता नहीं किसका पुत्र पुष्प लेने के लिए गया था, उसे एक सर्प ने डस लिया है, जाए और उठा लाए अपने पुत्र को। तो रानी तारा के कानों में आवाज पड़ी, रानी तारा भागी। ब्राह्मण देव कहने लगे, तारा कहाँ जा रही है? ब्राह्मण देव, मेरा ही पुत्र पुष्प लेने के लिए गया था। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया है, कोई बात नहीं है, ज्यादा अगर हुआ होगा तो मर गया होगा, पहले भोजन बनाओ उसके बाद।